वो है आपका हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट एट जीरो पे आप देखोगे नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन है एंड ऊपर की तरफ ये रेड कलर का एक लाइन है जहां पे पहले एक सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे आया है इस रेंज में प्राइस पिछले चार पांच दिन से बिहेव कर रहा है कॉन्सोलिडेट कर रहा है इस कॉन्सोलिडेशन के बाद क्या ये सपोर्ट को तोड़ेगा इन सच ए केस एक अच्छा खासा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये ऊपर की तरफ जाते थोड़ा सा कॉन्फ्यूशन क्रिएट करेगा तो so, अगर एक ऑर्डरली पैटर्न बनाना है इन सच ए केस ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आना चाहिए सो so, अभी देखते हैं कि आज या मंडे ऑनवर्स कैसे कौन सा डायरेक्शन में ये ब्रेक आउट करते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ डॉलर रुपी साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है नथिंग न्यू यहाँ पे कंसोलिडेशन में कुछ कर नहीं सकते फ्रस्ट्रेशन पाइलअप होने देते हैं ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट को यहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने देते हैं एक बार एक का पीक आएगा उसके बाद ही एक रेंज ब्रेकआउट होगा वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा ये उस समय हम देखेंगे तब तक रूपी को साइडवाइज कंसोलिडेट करने देते हैं जी डॉलर जी डॉलर में देखिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ पे आपका ट्वेंटी सेकेंड नवम्बर को रेस्पेक्ट किया ट्वेंटी सेकेंड को थोड़ा सा पुल बैक किया ट्वेंटी थर्ड को ब्रेकआउट करने का प्रयास किया लेकिन यूएस मार्केट हॉल ले था ज्यादा कुछ एक्टिविटी था नहीं एंड दैट मीन द केस इस रजिस्टेंस जोन पे ये टाइम पास कर रहे हैं ये टाइम पास के बाद जैसे ही ट्वेंटी का हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा सो so हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वन पॉइंट

अभी हमें ये इंतजार करना है कि इस जोन को ब्रेकआउट करने का पॉसिबली ऑन द हायर साइड अगर हायर साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग के नीचे अगर ब्रेक डाउन करते हैं इन सच ए केस सॉरी पीरियड मूविंग एक्सपेक्टेड सपोर्ट

कल ड्यू टू यूएस ज्यादा कुछ एक्टिविटी था नहीं यहाँ पे एक आपका ट्वेंटी फर्स्ट को फॉलो थ्रो तो इस हिसाब से ये आपका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पहले था वहां पे एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए इस हिसाब से ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए बट हमें देखना है क्या ये इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो पहले था वहां पर रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं या नहीं ये आयनर आपका ये नवंबर का दिस बिकम्स ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करते हैं प्राइस विदाउट डेमेजिंग द प्राइस मेजोरलीस एक अपॉर्ड प्राइसिडेट करते नवंबर हाई इन सच केस अपॉर्ड ट्रस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर कैंडी वन पॉइंट थ्री सेवन जीरो सिक्स साइड वेज कॉन्सोलिडेशन में हो रहा है आपका Expected, है। के तरफ है। उसी के, अंदर में ये कर रहे है। के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है जैसे ही ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर का हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा इन सच एक थ्रस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका 7.14 ये जो सपोर्ट लेवल पे प्राइस टाइम पास कर रहा है कंसोलिडेट कर रहा है ये कंसोलिडेशन के बाद हमें देखना है ब्रेकडाउन नीचे की तरफ या पुल बैक ऊपर की तरफ क्या होता है दैट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू वॉच ब्रेंड क्रूड 81.41 ये आपका कल अपवर्ड ऊपर की तरफ आपका 8244 तक गया था लेकिन प्राइस रिजेक्शन होके क्लोज किया 81.17 अभी क्या यहाँ पे आपका 8390 से 84.00 इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज साइडवेज कंसोलिडेशन जब तक आपका नवंबर का लो को ब्रेक डाउन नहीं करते यूएस टेन एयर सो यहाँ पे आपका एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है तो थोड़ा सा प्राइस को एक पैटर्न क्रिएट करने देना है उसके बाद हम देखेंगे किधर की तरफ जाते हैं बट यहाँ पे आर जो है इट ए इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट फोर्टी एंड मूविंग हायर यूएस है ट्रेजरी ये यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन का जो जोन है उसके बाद ये ऊपर की तरफ भागने का प्रयास कर रहा है ऊपर की तरफ हमें देखना है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन